भाई सारी दोनों की रिकॉर्डिंग से भाई कर देना भाई साहब बात ही चल रही। मैं आपको 42 भाई साहब मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूं, 40 रुपए ये लोहा जाएगा नहीं पक्का। आपको रोजी की बात बता रहा हूं मैं भाई। आपने 25 लगाए सर, 35 लगाए, उन्होंने 30 और 40 लगाए सर। मेरे पे 30-40 जाएगा, बात खत्म। नहीं ये ना इवन ना भाई, यार ये तो कोई बात नहीं। आप यो ले रहे हो, देख क्या क्या उठाएगा। वह तो बात होगी भाई, एक जो स्टैंड होगा 40 में, मोटर होगी 40 में, बाकी 30 को होगा। तू किस टाइम से ना 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 भाई, आपने मना कर दी। देखो है ना, हाँ भाई आधा घंटा हो गया मेरा पड़ता खा रहा है इसमें दवा के, और तेरा मोटा कारोबार है। नहीं लगाएगा। तो यार तुम बता, रेट तो बढ़ा दिया नहीं भाई। 30 रुपए जाएगा, बात की बात। 41 भाई, यो 43 में कहोगे फिर। 43 दो, कहाँ तक लोगे? लो अच्छा बात सुनो, पहले पूछो बाबू जी से। मैंने रुपया लगा, हाथ ना रखा हमने, बताई थी मौके पर रेट बताए। वो 45 ना इनते करा ना चाचा, एक कवाड़ी और ले। ना 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 सुन बाबूजी, मैं आपको सच बता दियो ना, पैर तो रुक जाए। हाँ बता, 43-1, 43-2। मैंने इनसे पहले 40 रुपए में, अरे जीरा मत लगाओ, 2-40 में, 2-40 एक मोटर स्टैंड। मैंने कहा इससे आगे माल बढ़ेगा वो मैं ले लूंगा भाई। 43 में पूछू, 43 मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आपकी दुकान में 40 लगेगा ना? फिर 35 रुपए लगाएगा। फिर कैसे लगा दिया भाई? इसने लगा दिया, मैंने मोटर की दो ही तो मैं भी दो, तो ये 40 लगेगा नहीं? मैं भी 42 ले रहा हूँ। 42 बता, 42 से एक बता। ऐसा है, इन्हें उतारा ही नहीं को देखिए। नहीं अब तो नहीं लेगा ऐसा बाबू जी, मेरी जगह मैं होता और जो रेट बढ़ाते हैं भी बुरा लगता है भाई। भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये दुकान पे 35 रुपए जाएगा, 35 रुपए ईमानदारी बताऊं। मोटर के चक्कर में और खर्च हो तो मैं पूरा करता फिर मोटर में भाई। 45 रुपए तुमने अब बोल रहे हैं, इसका एवरेज उसमें आ जाता। अच्छा तो एवरेज चल, तो फिर बता इनने मेहनत करी, हम रेट बढ़ाओ। अगर वो मुझे बिलासपुर से बुलाकर लाए मुझे, वो सुबह उन्होंने कहीं मैं आता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कुछ भी। भाई से बहस कह दिया, बोलो भाई 43 रुपए तो लग चुके हैं। बहस मत करो, आप रेट लगाओ, आधा आधा ले लो तुम, कुछ लो आप ऊपर आधा दे दो, आधा आधा ले लो, आधे वाले उसमें आधा देना, आधा देना एक दे दो। गाड़ी लोड नहीं होगी, ऐसा कैंटर मंगा रखी है उसने। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी में, आपने ऐसा कैंटर मंगा ली दिल्ली से, आपने क्या मंगाया है? आपकी 12 टायरी है भाई की, रेडी खड़ी है उस साइड पीछे। हाँ भाई बता, चल तो भाई आपको दूसरा कबाड़ा दे देंगे। आप चलो अभी एक और कबाड़ी मंगा लिया भाई साहब, मेरा तो छोड़ो होने वाला, सामान लेना है। चलो 42 में, हाँ 42 सारा, तो 42 में भाई का डन हो गया इसका। क्या गो 42-2, 43 ये कच्चा 30 में, अरे 42 में ठीक है। चल ठीक से उठा भाई, डन करो। तो बाकी आप जाओ खाना पीना खाओ और चाय वाय पियो, मैं भाई आ रहा है। देखो आराम से आप भी मजदूर हो, ठीक है? मैं भी मजदूर। सुनो नहीं बाबूजी ने कहा, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा बाबूजी से पहले पता। भाई देख यो आयो तो फेरी लगा रहे तो, और फेरी लगा तो यो रहा हूं। एने रेट पूछो मुने, अगर रेट पूछो फिर कबाड़ो में बेचनो से। एक भाई आग गए से, ठीक से उन्होंने मेरे को 25-35 लगाया से, और वो है 25-35 मुने इससे बता दी थी मगो 25-35 है लगाए से, 25-35 वो लगा रहे, ठीक मगो भाई तू बता फिर 30-40 कर रहा था। चलो भाई ठीक से, धन्यवाद तेरे रेट बढ़वाने को। यहाँ पे ना दो में प्रॉब्लम हो रही है, 30 का झटका नहीं चल रहा भाई। राजेश बता फिर भाई, 42 रुपए लगा दिए, नोएडा की कोई पार्टी है। अच्छा बड़े कांटे पे लगाओ गाड़ी को, इसका मोटा काम है। अच्छा भाई तो खरीद नहीं पाया ना भाई, वो भाई भी दिलम तो ये दिलम को थे भाई, माल बहुत है, माल बहुत है, माल बहुत है हमारे पास, सारा माल बेचेंगे आज हम भाई। ये मालिक है, ये मालिक आ चुके हैं सामने से भाई, दो कबाड़ी के बीच इन्होंने करवाया भाई।
दोनों कबाड़ियों की फाइट हो गई थी भाई, बोली लगवाई है ऑनलाइन है। सुनो पर ये दो भाई सारी बोली भाई रिकॉर्ड है हमारे पास, ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे सुन भाई, बोली में चल रही थी, भाई ने लास्ट मारो कबाड़ो 42 खरीद दो, ठीक है, और 30 और 42 बोलियो पक्को। कौन सी यह वाली पाई भाई, एक काम कर, फिर जंगला नहीं निकलवा के लिए चीजें तो फिर इन जाड़ा नहीं निकलवा के लिए चीजें, कबाड़ा कुछ नहीं रखेंगे है भाई। फिर तो बड़ी फिर ग्रिल नहीं उतार के चीजें, पाइप का चक्कर हम पड़ रहे भाई, गिलास भी साथ ले लिया भाई, भाई भाई ने ये कैंटर मंगाया तो आप भाई, देख सकते हैं इस कैंटर में जाएगा अपना। भाई आपको सच बताऊं, 34 रुपए मार्केट मतलब पक्का लो भाई, आप नुकसान में कैसे ले रहे हो भाई, ये बात दोनों जीत भी दो, करण लाग गए भाई, बोली लगाइए भाई, गाड़ी भले मेरे पास 40 रुपए की, आज बैंगलोर की गाड़ी अपने चैनल पे देखने को मिलेगी आपको ये वीडियो लाइव ऑन रोड पे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज कबाड़ियों की फाइट हो गई थी यहाँ से, नोएडा से काम है, ट्रैक्टर वाले भाई साहब रहते सुबह, तो मैंने कहा था 25 रुपए का वाले भाई साहब का भैया के कमीशन भी है, भाई आया गया है कबाड़ी बोल यार, आपकी दुकान कितने का कबाड़ा दिया उसने, डबल का आपका फायदा करा दिया भाई। अरे क्यों डर, आजा ले ले यार, ले ले ले, आजा भाई अपना तोल लो, रख लो अपना भाई, हमारा हमारी गाड़ी आ गई है कबाड़ा रखने के लिए, लिया भाई अंदर लिया यार, तार पंडवाते क्या ना एल्युमिनियम का है, इतना वो मत रख रहा, 4 मिनट में करनी है और यो कमरा आ रहे हैं, ये कह के फंस गए तू, आ बोलोगे 40 क्यों घबरा, आ जा भाई, ये रास्ता छोटा है, पीछे 10 टायरी का एंटर नहीं जा पा रही है, जिसके एंटर ना जाने के चक्कर में छोटी भाई सामान लेने आ गया अपना, ना बिलासपुर से आए सारा, चलो भाई सामान तुलवा के रखवाऊंगा, चल भाई लगा अपनी गाड़ी ना आगे, काटा हमारे पास है ना बड़ा, इस बाइक के रेट लगाए जाएंगे, अब इस बाइक को रबड़ के साथ तोला जाएगा या रोहित की 75,000 में ली ओड दूं, अरे क्या चीज है, हाई कंडीशन में ली यार, नो 75 राजेश तुलवाएगा सारा माल, ओए रविंद्र योगरा को गिट गयो आज दिन तोड़ दियो, आए तो बहुत कर दिए, जो हमने पहले दिन हुआ दो गरम दिन उठ भी लो मार दी उसे गीत है ओके के लिए ये ठीक नहीं है भाई, काटा ऑन करो करमवीर, वेट तो लंग कितना वेट से बैटरी डेड है ले भाई, ना कोई दिक्कत ना आए से, अरे ना हम तो डेली सरिया तोला सामने पतो से, तू अपना वजन देख ले, रख ले सामान सारा, हाँ तू भी चेक कर ले भाई और वेट तो देख ले, 6 किलो 80 ग्राम ये पीछे माल स्टोर कर देंगे, ये हो 15 किलो भाई, 1 किलो नोट कर ले, नोट से 15 किलो दिए हो गए, रविंदर वेट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कब मिलेगी, कितने पैसे में क्या कुछ कर रहे हैं, पैसे का इंतजार कर रहे हैं, रोहित ने गाड़ी संभाल ली अपनी, अब रख के ले जाएगा सीधा, जैसे स्क्रैप बिकेगा यहाँ से निकल जाएंगे मनाली के लिए, अच्छा कितने पैसे मिलेंगे मनाली के लिए निकल जाएंगे भाई साहब, भाई ये कह रहा है मैंने तो ज्यादा रेट लगा दी, माल कम लग रहा है, थोड़ा फोड़ी चल रही है, पक्का है यार ये तो भाई, अगर टीमें भी ना बचे ना तो खाई कहने धर लिया, कौन तो वजन हो रहे
ध्यान है ये ऊपर को। अच्छा काटन और भेज दी रोहित ना, ये ऊपर को फोल्डर फोल्डर है रोहित भाई, दिमाग नहीं है सरिए कहां पे रखेंगे फिर हम सरिए गिर पर ये सरिए इनको बेच दे फिर अभी इसका बाड़ी से ना इन्हें बेच दे फिर यार, और मालिक जा रहा है सीधा जो 500-700 रुपए मिलेंगे ना उनका खाना पीना हमारा ही होगा उसका नहीं कुछ भी इसमें, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई राजेश यार आप बड़े आदमी हमारे में सबसे बड़े आप चले जाओगे यार, जागीरदार आदमी यार आपका काम है हमें संभालना, हम इनको संभाल रहे हैं भाई। और माल निकला है अभी हमें ऐसे पता चल गया जैसे कि अभी बिल से सांप निकला हो कि सांप निकल ही आया, और माल निकल आया बेचने के लिए। हाँ भाई करमवीर कौन सा माल बताओ, ये शटर भाई शटर को निकालेंगे और ये एंगल ऊपर ये ना काम आ जाएगी, शटर को और निकालते हैं आज। ये तो भाई अपने ट्रैक्टर का है, ये कैसे दिया जाएगा, ये न्यू ब्रांड न्यू 5400 रुपए काटते हैं, ये रिम माना ब्रांड न्यू 5400 माल बंद आना माल बंद है, 160 करते रात को 11:30 मिले हार्डली प्लांट बंद है उसका, गुड़गांव की जितनी गाड़ी थी उसे बज रही है। जयपाल कर रहे हिसाब किताब कितने का क्या कबाड़ा बेचा जयपाल ने प्लास्टिक, कौन सी फर्म का कबाड़ा था भाई, ये भाई की कंपनी है शेरा ट्रांसपोर्ट कंपनी, बस तीन चीज ना प्लास्टिक कच्चा पक्का और वो एल्युमिनियम की बात थी भाई अंटी। अभी कबाड़ी को थोड़ा सा आइटम भूल गए थे वो दोबारा रिपीट कर रहे वो से 1.5 किलो 1.25 की लगाई थी भाई आप 1.25 किलो रेट भाई साहब ने बहुत अच्छे लगाए क्योंकि नोएडा से आया भी है गाड़ी में उसका साथ भी लगेगा भाई बारह की बात हुई, जो बात है वो बात जो 400 कमाएंगे नहीं इसमें, एक कबाड़ी में कन्या से देंगे ईमानदारी में, इसमें तो 400 किलो का आइटम दिया है आपको वो भी देखो 40 रुपए किलो दे दिया, कन्या से भरना पड़ेगा हमारा ये सामान हो गया 2994 रुपए का टोटल कबाड़ा, 2994 3000 रुपए का कबाड़ा बेच दिया भाई आपने आज, कैसे फिर क्या कुछ खिलाओ पिलाओगे भाई, अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट ले लो चलो हाईवे किंग पर चलो ठीक है, शाही परिवार खड़ा है पीछे उसको भी ले जाएंगे, वो नया है ना वो कौन से जयपाल बताएगा भाई, सेठ जी बताएगा अभी सो रहे सेठ जी, क्या बात है जयपाल बताएगा ढाबे का नाम, जयपाल बता कौन जगह जो अभी खुला है यहाँ पे श्री शरणम ढाबा, अब आप पे आज उसकी ट्राई लेते हैं श्री शरणम ढाबा, क्यों मैं को बुझण आवे ना मैं खूब देर ना कद का पनीर पकोड़ा दे रहा हूं यार, ये कह रहे डेली मेरा दूध जा रहा है भाई साहब, देखो भाई वो दूध पिला के तो रहने फिलहाल तो हम चलेंगे हाईवे किंग पर, अच्छा वहां पे खाना पीना होगा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, सिलेरियो कहां खड़ी है, नहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है बाहर वहां पे चलेंगे, वो कबाड़ी की है कबाड़ी वाला आया था उसकी, अच्छा वो तो ले गया भाई वो तो सीधा नोएडा जाएगा, वो नहीं रुकेगा स्पेशल मार्जिन कमा लिए बहुत प्राउड है, यही भी यही बस यहीं पे आएंगे, अच्छा जीएसटी बिल भी दिन का ही कटेगा भाई, रोहित गंडे लग रहे पैसा आ गया है पैसा ही पैसा भाई, ये कह रहे 20 रुपए हमें दे दो हम तुझे, मैं बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ेंगे भाई, 20 रुपए रविंदर देख लो भाई, और ये भाई साहब पार्टी है तो बहुत मोटी फर्म है ये 20 रुपए नहीं तो भाई हमारी लाइट फिर खराब होगी, कौन सी जल्दी से कमाड़ा गया, अरे उससे एक शॉट होगा इसमें लाइट, 3000 रुपए आ चुके हैं हमारे पास, ये पैसा ही पैसा आज कमाई है, आज की हमारी आज की कमाई हमारी YouTube मनी 3000, अब चलते हैं भाई चलो बैठो गाड़ी में होटल आए किंग पे चलते हैं।